हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी कि हम सीड्स को ग्रो करने के लिए आर्टिफिशियल सॉइल कैसे बनाएं। आज मैं सॉइललेस मीडियम की बात करूंगी और आजकल मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, फटाफट भागते दौड़ते कुछ बनाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मेरा ये है लिक्विड जो मैं फर्टिलाइज़र बनाती हूँ। लिक्विड फर्टिलाइज़र का ड्रम वहाँ हुआ करता था, उस कॉर्नर पे पड़ा हुआ, तो ये हटा के इसको मैंने ऊपर करवा दिया है ताकि नीचे फिर पानी जाता था ओपन स्पेस से, तो ये कवर करा दिया है। और आप देखिए, कलर के कारण छत की क्या बुरी हालत हो रही है, पौधों की और छत की, ये देखिए कितनी बुरी हालत है। ये देखिए, आपको एक चीज़ दिखा दूँ मैं, फिर दिया मुझे कहती है इधर उधर। देखिए छोटे छोटे वाले ऑर्नामेंटल ऑरेंज, ये देखिए पौधे बेचारे बिल्कुल नेगलेक्टेड हो रहे हैं, इनको नेगलेक्ट करती जा रही हूँ, फिर भी देखिए कितना बुरा हाल है। इधर कोलियस फिर भी अच्छे ग्रो कर रहे हैं, पर बहुत बुरा हाल हो रहा है। फर्श की हालत देखिए बहुत, फिर भी मैं जल्दी जल्दी में सोच रही हूँ आपके साथ ये शेयर कर दूँ, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो ये देखिए, ये पीट मॉस है, कहीं से भी ले सकते हैं। ये क्या करती है, मॉइस्चर को भी रिटेन करता है और न्यूट्रिएंट्स को भी जो हम देते हैं उसको भी पकड़ के रखता है, और इसलिए ये सीड्स के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसमें जो है कोई इन्फेक्शन वगैरह भी सीड्स को नहीं लगता है। ये देखिए, ये पीट मॉस है, वही मैंने कहा आपको, ये कुछ नया बना के देख रही हूँ मैं, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इसके रिजल्ट्स भी आपको मैं दिखाऊंगी। बहुत ये इससे मुझे खांसी आ रही है, ये है परलाइट, इसको जब भी आप हैंडल करें थोड़ा सा मुंह पे कुछ रुमाल वगैरह, देखिए इससे ऐसे डस्ट उड़ती है ये। तो ये देखिए, जितना ये पीट मॉस है देखिए, सेम क्वांटिटी में करीब करीब मैं इसमें ये परलाइट मिला लूंगी। ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये उन शौकीनों के लिए बता रही हूँ जिनको कुछ अलग करना होता है। ये जरूरी नहीं है कि आप लोग भी बाजार से पीट मॉस लाएं और परलाइट लाएं और बनाएं, मैं भी देखिए फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ। लेकिन जो नर्सरी में आपको मिलते हैं ना सीड्स वगैरह लगे हुए, ट्रे में से आप निकालते हैं, वो लोग ज़्यादातर ये पीट मॉस में लगाते हैं। पीट मॉस, और जो पीट मॉस क्या है इस पर मैंने वीडियो अलग से बनाया हुआ है। पीट मॉस एक्चुअली जो मॉस होता है ना, मॉस स्टिक बनती है, वो वाली मॉस जो है जिन जगहों पर वर्ल्ड में ज़्यादा होती है वहाँ पे क्या है, वो पहले तो वो उगती है, फिर वो धीरे धीरे डिकम्पोज होती रहती है वहाँ पर, तो बिल्कुल स्लो प्रोसेस होता है इसका डिकम्पोजिशन का, वो धीरे 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 डिकम्पोज होती रहती है। तो उससे ये बहुत थोड़ा मॉइस्चर कंटेनिंग हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स होल्ड करती है, बहुत अच्छी क्वालिटी हो जाती है इसकी, इसलिए ये सीड जर्मिनेशन के लिए अच्छी होती है। और कोकोपीट ऐसी ही दिखती है, लेकिन कोकोपीट जो है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर को होल्ड कर लेती है, उसमें ये कमी रहती है कि आपको ऊपर से लगेगा कि आपका जो सीड वाला मिक्सचर है वो सूख गया, लेकिन नीचे उसमें पानी रहता है, इसलिए उसमें थोड़ा सा सीड्स के सीडलिंग जो है उनको फंगस लगने का डर ज़्यादा रहता है। और वैसे उसमें भी लगाते हैं लोग, उसमें लगाने में ये थोड़ा पानी कम देना होता है आपको, अगर पानी ज़्यादा हो गया तो वो ख़राब होने का चांस रहता है। मैं तो फिर अगर लगाना हो तो इस बार जैसे मैंने रूट कॉइन्स लिए थे उस पर वीडियो बनाया था, वो बहुत अच्छे मुझे लगे स्प्राउटिंग के लिए। और नहीं तो फिर मैं सिंपल मिट्टी में भी लगा लेती हूँ, एक हिस्सा मिट्टी एक हिस्सा रिवर सैंड मिला के, लेकिन ये जो आपको बाज़ार में मिलता है वो चीज़ है। देखिए इसमें इक्वल मैंने ये मिलाया है, अब इसमें मैं वर्मी कंपोस्ट मिलाऊंगी। और ये देखिए इक्वल सी क्वांटिटी ये डाल लेती हूँ वर्मी कंपोस्ट, केचुए की खाद, देखिए अब मैं इसमें मिलाऊंगी। अब इसमें देखिए, ये थोड़ा सा मैंने ये डीएपी डाला है, इतना सा। ये डीएपी जो है ये वाटर सॉल्युबल डीएपी मैंने ऑनलाइन मंगाया था अमेज़ॉन से, मुझे याद नहीं है
कंपनी अपनी, बस आप लोग वाटर सॉल्युबल डीएपी टाइप करेंगे तो मिल जाएगा आपको। थोड़ा सा ये डालना है, ये थोड़ा रूटिंग के लिए अच्छा होता है, रूट्स डेवलप होने के लिए। और इसमें ये डालते हैं हम ट्राइकोडर्मा, ये देखिए करीब 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें इस क्वांटिटी में ट्राइकोडर्मा डाल लिया है। अब इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। पीट मॉस जो है वो जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें हल्का सा मॉइस्चर होता है, अभी मैं इसको हाथ लगा रही हूँ तो इसमें मॉइस्चर है, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा पानी हम जो हमारी स्प्रे बॉटल होती है उससे थोड़ा थोड़ा पानी आप इसको इस मिक्सचर पे ऐसे ऐसे छिड़क के, और इसको जो है हम हल्का सा मॉइस्ट, गीला नहीं करना है। अभी भी ये जो मैं हाथ लगा रही हूँ ना ये गीला है, क्योंकि इसमें जो हमने वर्मी कंपोस्ट डाला है वो भी गीला होता है, और जो हमने पीट मॉस डाला है वो भी मॉइस्ट होता है, तो इसमें मॉइस्चर है अभी, लेकिन थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। देखिए अब इसमें हम थोड़ा सा मॉइस्चर ऐड कर देते हैं, बस, और इसको अच्छी तरह से हमें अपने मिक्सचर को मॉइस्ट करना है। वो आप देख लेना कि आपका मिक्सचर ऐसा हो जो मॉइस्ट हो, जिसमें थोड़ी 1-2 दिन तक मॉइस्चर बना रहे। अभी जैसे मैंने जितना पानी डाला है उतना पानी इसमें अभी और डल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मॉइस्ट इसको नहीं करना है आपको। ज़्यादा मॉइस्ट कर देंगे तो इसमें इतना पानी हो जाएगा कि आप जो सीड इसमें डालेंगे वो जो है मॉइस्चर से उसमें फंगस लग के वो मर जाएगा, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। जैसे मैंने इसमें ये प्लेट भर के पानी डाला है, 1 प्लेट और पानी आप इसमें डाल सकते हैं जो मैं अभी डाल दूंगी, और देखिए ये हमारा मिक्सचर जिसमें मॉइस्चर रहेगा वो तैयार हो जाएगा। और ये जो हमारा मिक्सचर है ये बीज लगाने के लिए अच्छा मिक्सचर है, और इसको जब आपको लगाना हो, इस तरह के ये डब्बे हैं। अच्छा, अगर आपके पास बड़े बीज हैं तो उनके लिए तो मैंने वो आपको बताया था कि हम लोग जो रूट कॉइन्स आते हैं वो कोको कॉयर के बने होते हैं, कोको पीट के नहीं होते हैं, कोको कॉयर के जो रेशा होता है कोको का। अब इस मिक्सचर का हम क्या करेंगे, इसमें जो बारीक सीड्स हैं ना जो हम उसमें नहीं लगा सकते वो इसमें लगाएंगे। तो उसके लिए देखिए ये पुराना डब्बा है, ये देखिए इसमें ये टूटा, आपको ये दिख रहा होगा, इस पर दिखाऊँ ब्लैक के ऊपर, ये देखिए ये टूटा हुआ है नीचे से, नहीं हो तो आप होल कर लें इसमें। तो इस तरह का कोई डब्बा लेके उसमें अब मैं जैसे ये मिक्सचर डाल दूंगी मुझे जब लगाना हो, थोड़ा सा अभी मॉइस्चर और ऐड करूंगी, जैसे मैंने कहा वो प्लेट जितना और ऐड कर दूंगी इसमें। थोड़ा छूने में ना आपको ऐसा लगना चाहिए कि इसमें मॉइस्चर है, इसमें है लेकिन मुझे हल्का सा कम लग रहा है, तो थोड़ा इसमें उतना पानी में और डालूंगी। चलिए डाल के ही दिखा देते हैं आपको, देखिए इतना पानी इसमें और डाल देती हूँ मैं वही कहूँगी ज़्यादा नहीं डालना है, बस मॉइस्चर हल्का सा हो जाए, गीला नहीं होना है बहुत ज़्यादा, ऐसा गीला नहीं होना चाहिए जैसा ये है, ऐसा गीला नहीं होना। इसको ऐसे मिक्स कर देंगे, और उसके बाद क्या है, इसमें जो हमने परलाइट डाला है वो भी एरिएशन भी देता है और वो मॉइस्चर को भी होल्ड करता है। ये जो परलाइट है ना इसके पार्टिकल्स होते हैं जैसे हमारा पॉपकॉर्न होते हैं ना, उस तरह की सरफेस होती है इसकी। तो पॉपकॉर्न की सरफेस कैसी होती है, अनइवन फोल्ड्स होते हैं उसमें, तो उसमें वाटर भी होल्ड हो जाता है और एयर भी। तो इसलिए अब ये जो हमने पानी डाला है इससे ये मिक्सचर हमारा जो है वो मॉइस्ट हो गया है, बस इतना मॉइस्ट चाहिए हमें। और बाद में जब हमें कभी लगेगा जब ये इसके इसमें जब हम ये लगा देंगे, और हल्का सा देखिए और डाल देती हूँ, वो हम लोगों को आदत है ना कि कहीं कम नहीं पड़ जाए, बस उतना, वो आदत खराब है। और
बस उसके बाद जब आपके सीड्स स्प्राउट नहीं हो जाते, उसमें छोटे छोटे से सीडलिंग नहीं निकल जाते, तब तक इसमें हमें और कुछ नहीं डालना है। उसके बाद जब सीडलिंग्स निकल आएंगे तो उसके बाद हम दो तरीके कर सकते हैं। एक तरीका तो हम ये कर सकते हैं कि ऐसी कोई प्लेट में पानी भर के उसमें हमारे इस डब्बे को रख देंगे तो नीचे से थोड़ा सा पानी और ले लेगा जब हमें लगेगा कि मीडियम सॉफ्ट हो गया है। दूसरा तरीका हम कर सकते हैं कि स्प्रे बॉटल से कर सकते हैं। तो अब जैसे ये मिक्सचर तैयार हो गया, बस इस टाइम इसका मॉइस्चर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, ये देखिए बिल्कुल सही है ये, बस इतना सा हल्की सी, देखिए हल्की सी ढीली सी मुट्ठी बन रही है इसकी, देखिए। अब इसको ऐसे टूटे हुए किसी डब्बे में ऐसे डाल के ऐसे इसमें जो भी आपके बारीक वाले सीड्स होते हैं ना वो इसमें डालेंगे हम। डालने के बाद उसके ऊपर एक हल्की सी लेयर इसी मीडियम की दे देंगे। तो मैं अब कल फिर इसमें आपको सीड्स लगा के दिखाऊंगी और ऐसे बस डब्बों में डाल के और ऊपर से इसको कवर कर देंगे। इसी का ढक्कन ले लूँगी, उससे कवर कर दूंगी ताकि अंदर उसको मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी और हीट थोड़ा सा मिले, वार्म्थ मिले सीड्स को स्प्राउट होने के लिए। तो इस तरह से ये मीडियम बनाना है और इसमें कैसे लगाऊंगी मैं कल, उसका आपको कल दिखाती हूँ। मैं कुछ सीड्स लगाऊंगी और कुछ सीड्स मैं सोचती हूँ रूट कॉइंस में लगाऊंगी और छोटे वाले सीड्स इसमें लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ऐसा मीडियम बनाना है तो आप भी सीड स्टार्टर मीडियम बना सकते हैं इस तरह से। और फिर मैं वही कहूँगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए। ओके फ्रेंड्स, बाय।